क्वेश्चन करने में बुद्धिमान है लेकिन पढ़ने में बुद्धिमान नहीं है, यही मुझको लग रहा है। चलिए, शुरू में कहा कि मैंने नहीं पढ़ा, ये ठीक है। भागलपुर का पानी बहुत विद्वान मंत्री है, लगता है 90 में ये हुए हैं, 95 में हम लोग हुए हैं। आप बैठ जाइए। नहीं माननीय मंत्री, एक एक महोदय पूरा प्रश्न, इतना समय पूरा हो गया। एक महोदय, विकास विभाग सरकार है, सरकार जवाब देने में ये राशि किस क्षेत्र बार बतावे, कहाँ खर्च हुई है, इसकी बात हम। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा में हो रहे सदन को लेकर। उस सदन का आज आखिरी दिन है, चौथा दिन है, और इस सदन में आज कई ऐसी चीज़ें थी जिसको लेकर नोकझोंक हुई सदन में। ऐसे ही एक मुद्दे के साथ हम हाजिर हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर क्या हुआ आज सदन में। प्रश्नोत्तर काल के दौरान विपक्षी के नेता यानी कांग्रेस के नेता अजीत शर्मा ने सरकार से पूछा कि आखिर हमारे पैसा, जो विधानसभा का जो फंड है हमारा, जो काटा गया, उसको कहाँ खर्च किया गया। इसको लेकर बोलते हुए बिजेंद्र यादव मंत्री जो है, उन्होंने कहा कि आपका जो पैसा है, वो जो काटा गया पैसा है, वो स्वास्थ्य विभाग के पास हमने ट्रांसफ़र कर दिया है, और वो स्वास्थ्य विभाग जो है अपने अपने मदों में खर्च कर दिया है। लेकिन इस जवाब से, बिजेंद्र यादव के इस जवाब से विपक्ष के नेता जो हैं वो संतुष्ट नहीं हुए। अजीत शर्मा ने उस पर पूरक पूछा कि आपने कहाँ खर्च किया है, लेकिन पूरक का भी जो है संतुष्ट जवाब उन्हें नहीं मिला। इसके बाद फिर आरजेडी विधायक ललित यादव ने जो है पूरक पूछा, पूरक पूछने का उनको हक भी है। तो ऐसे में जब उन्होंने पूरक पूछा कि आप बताएं कि आपने अगर स्वास्थ्य विभाग को ये ट्रांसफर किया है पैसा, तो कितना पैसा ट्रांसफर किया और उसको किस किस मद में कैसे खर्च किया गया है, अगर क्षेत्रवार अगर वो पैसा अगर हमें बताएं तो हम आपके सवालों से संतुष्ट हों। लेकिन ललित यादव के इस पूरक के बाद से मंत्री जी भड़क गए और उन्होंने कहा कि आप पिछले 5 बार से विधायक रहे हैं, आपको भी पता है, आपने भी कई कमेटियों में काम किया है कि पैसा कैसे और कहां जाता है। आप खुद ही देख लीजिए वीडियो कि अजीत शर्मा के इस सवाल के बाद मंत्री बिजेंद्र यादव और उसके बाद ललित यादव ने क्या कुछ हुआ और इनके बीच में कैसे नोकझोंक चल रही है। अभी मैं पूरा पूछता हूं, थोड़ा बहुत अभी पता चला। अब नहीं देखे हैं तब पढ़ देते हैं मंत्री जी। मैं पूरा पूछ देता हूं सर। और बिना देखे कुछ बताए हैं लोग अभी। ठीक, माननीय मंत्री, आपके अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री से आपके पूछना चाहूंगा कि पिछले बार और इस बार जो योजना है विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास निधि से क्रमशः 50 लाख एवं 2 करोड़ प्रति माननीय सदस्य की कटौती की गई तथा पिछली बार माननीय सदस्यों के वेतन मद से 15% कटौती की गई, तीनों मिलाकर कुल कितनी राशि हुई और कोरोना उन्मूलन कोष में जमा हुई या नहीं, पहला पूरक। दूसरा, एक साथ बोल देते हैं सर पूरक, क्या मंत्री जी बताएंगे कि पिछली बार जो राशि 50 लाख और 15% की कटौती की गई उसकी कुल राशि कितनी हुई और कहां कहां किस विभाग द्वारा खर्च की गई और उसमें से कितनी राशि वेंटिलेटर क्रय एवं ऑक्सीजन प्लांट पर खर्च की गई। तीसरा, क्या मंत्री जी बताएंगे यदि काटी गई राशि 100 समय खर्च कर दी जाती तो सेकेंड फेज में इतने लोग की मौत नहीं होती। ये तीनों पूरक का जवाब चाहिए सर। माननीय मंत्री, लगता है कि माननीय सदस्य तो उत्तर पढ़े नहीं है, ऑनलाइन सिस्टम कोई क्वेश्चन करने में बड़े तेज हैं। क्वेश्चन करने में बुद्धिमान है लेकिन पढ़ने में बुद्धिमान नहीं है, यही मुझको लग रहा है। चलिए, शुरू में कहा कि मैंने नहीं पढ़ा, ये ठीक है। भागलपुर का पानी का असर है महोदय, मैं पढ़ देता हूं उत्तर को। खंड 2 में वस्तु स्थिति यह है, COVID-19 महामारी के संक्रमण की रोकथाम हेतु मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत पूर्व से गठित बजट शीर्ष एवं उप शीर्ष के प्राकृत राशि में से सरकार के संकल्प संख्या 1281 दिनांक 27/3/2020 के अनुसार वर्ष 2021 में 50 लाख रुपए प्रति माननीय सदस्य बिहार विधानसभा की अनुमान राशि में से कटौती की गई। तदनुसार 2021 में कुल 182.14 करोड़ रुपए कोरोना उन्मूलन कोष स्वास्थ्य विभाग को संबंधित HDFC बैंक
खाता संख्या 5010031484857650 एवं SC/SDP COVID-679 में अंतरित की गई। इसी प्रकार वर्ष 21-22 में कुल 620 करोड़ रुपये राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार को पीएल खाता संख्या PHSPCL ADL बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से हस्तांतरित की गई है। यानी माननीय सदस्य अब अजीत शर्मा जी कोई पूरक नहीं पूछेंगे ना। मान्य महोदय माननीय सदस्य का 20-21 में 50 लाख, 21-22 में महोदय 21-22 में महोदय 2 करोड़, ये आपका ये माननीय मंत्री जी जवाब दिए 1,82,82 लाख आपका ये राशि 20-21 में कटौती जमा किए हैं और 626 करोड़ 21-22 में। हम माननीय मंत्री जी से सिर्फ इतना जानना चाहते हैं ये 50 लाख राशि जो 20-21 में माननीय विधायक का काटा गया किस क्षेत्र में खर्चा किया गया है, किस क्षेत्र में क्षेत्रवार थोड़ा माननीय मंत्री बता दे तो अच्छा होगा। और 21-22 का महोदय अभी तक इन्होंने बताया है कि इनके राज्य स्वास्थ्य समिति में जमा है, तो जमा का विलंब का क्या कारण है महोदय? एक तरफ आप राशि कटौती करते हैं और ये राशि आप कटौती किए हैं तो क्या माननीय क्षेत्रीय विधायक के उपस्थिति में कुछ उसकी भी भागीदारी रहेगी बंटवारा में, उनका भी नाम रहेगा कि सरकार का ही केवल नाम रहेगा? माननीय मंत्री जी महोदय मुझे हैरत हो रही है, 5 बार से MLA है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी रहे, योजना विभाग ने ट्रांसफर कर दिया स्वास्थ्य विभाग को, मैंने उसका जिक्र किया 182 करोड़, 1,82,00,000 नहीं 182 करोड़। और इस बार जैसा मैंने कहा कि टोटल राशि है 626 करोड़, अभी कह रहे हैं 1,86,00,000, तो खैर ये अपनी बात है, लेकिन कुछ तो नियमावली को देखिए, जब तक हम खड़े हैं और अध्यक्ष फटाफट महोदय स्वास्थ्य विभाग से नहीं ये प्रश्न करेंगे कि ये राशि कहाँ कहाँ खर्च। दूसरी बात, मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना है, विधायक फंड नहीं लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना, तो स्वास्थ्य विभाग से अपना प्रश्न करे कहाँ खर्च हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, ये योजना विभाग ने जो अपना काम करके स्वास्थ्य विभाग को दे दिया। खुद विद्वान मंत्री है, लगता है 90 में ये हुए हैं, 95 में हम लोग हुए हैं। आप बैठ जाइए। नहीं माननीय मंत्री जी, एक एक महोदय पूरा प्रश्न इतना समय पूरा हो गया, एक 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 महोदय मात्र महोदय, हम लोग ने स्वास्थ्य विभाग का अजीत शर्मा जी का प्रश्न है, यदि योजना विकास में स्वास्थ्य विभाग ने हस्तांतरण कर दिया तो योजना विकास विभाग सरकार है, सरकार जवाब देने में, ये राशि किस क्षेत्रवार बतावे कहाँ खर्च हुई है इसकी बात अलग से प्रश्न ले आइएगा। इसी प्रश्न में सन्निहित है 50 लाख रुपया 20-21 में 21-22 में आपको 2 करोड़ राशि कटी गई, तो किस क्षेत्र में कहाँ खर्च हुआ माननीय मंत्री जी, या विलंब से खर्च हो रहा है तो इसका क्या कारण हो महोदय? आप एक तरफ राशि कटौती करते हैं, हाहाकार मचाते हैं, नहीं इतना तो बताइए किस क्षेत्र में आप कहाँ खर्च किए। माननीय सदस्य धर जाइए, आपका प्रश्न है कटौती का औचित्य क्या है, तो कटौती के औचित्य पर माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया। अब आप जानकारी चाहते हैं कि जो कटौती हुआ उसका कहाँ उपयोग है, तो वो अलग से प्रश्न लाइएगा, आप तारांकित प्रश्न ले जाएंगे। महोदय अरे बैठिए सुनिए तो, अरे भाई अद्भुत बात है, एकदम है, बैठिए तो महोदय प्रश्न जी जी, नियम ये है, अब सुन लीजिए, आप सुन लीजिए हैरत है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं, बहुत संवैधानिक समिति है, टोटल बजट
टोटल बजट का एलोकेशन वित्त विभाग के द्वारा विभिन्न विभागों को बजट में जाता है। तो क्या वित्त विभाग से प्रश्न पूछिएगा, वित्त विभाग दे देगा कि विभाग में कितना खर्च हुआ। योजना विकास विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना आता है, सुन तो लीजिए, और क्षेत्रीय विकास योजना का पैसा स्वास्थ्य विभाग को ट्रांसफर कर दिया। अलग से माननीय सदस्य स्वास्थ्य विभाग से प्रश्न करे कहाँ खर्च हुआ, इतना जो काम हुआ वो बिना पैसे का हुआ, अलग से स्वास्थ्य मंत्री जवाब देंगे। अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे श्रीमती शालिनी मिश्रा। बिहार और बिहार से जुड़े हुए और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।